फिक्स्ड गियर बाइसिकल की ड्राइविंग टेक्निक कुछ यूं होती है जिसमें फ्री व्हील मैकेनिज्म नहीं होता। अरे सीधी भाषा में समझाऊं तो इसका मतलब ये होता है कि पेडल्स और व्हील्स अलग अलग घूम नहीं सकते। हाँ, अगर पेडल्स घूमेंगे तो व्हील भी घूमेंगे, और अगर व्हील चल रहा है तो पेडल भी। रे भाई घना कूल डूड लग रहा है, पर इसके बस की ऐसी साइकिल चलाना? रे भाई मन ने ना लग रिया, रे के कर रहा रे घन चक्कर, रे तू इसी के लाकर चुप करके मॉडलिंग कर ले। ओ वाओ, मैंने तो बचपन में ही चलानी सीख ली थी साइकिल, मैं तो बचपन से चलाता हूँ। माय गॉड, बड़ा स्लिपरी है मेरा मुंह। कई लोग वैसे स्टंट भी दिखाते हैं लेकिन वह फ्लॉप हो जाते हैं, जैसे कि ये भाई साहब। वेल, साइकिल का पिछवाड़ा आपकी पिछवाड़े से टकराया और आप जमीन पे सीधा मुंह के बल लमलेट, और ये चला अपना पैडल मान। अरे पैडल मारने बंद किया और ये सीधा नीचे। वेल जाना ही था। वेल शुक्र मना, तेरा टकला नहीं चल गया, अबे हाथ क्या उठा रहा है। देखने में आपको लग रहा होगा अरे दिक्कत कहाँ है, अरे पर ये कोई मामूली साइकिल नहीं है बचवा, अरे इसके पीछे भी साइंस है, अरे भैया विज्ञान है। जिसे नहीं सीखा तो बीच रोड पे मुंह का ऑमलेट बन जाएगा। हाँ, अक्सर बाइसिकल्स में जब साइकिल स्पीड पकड़ लेती है तो हम पेडल मारना बंद कर देते हैं और साइकिल चलती रहती है, पर ऐसी फिक्स साइकिल में स्प्रॉकेट बैक व्हील के साथ जुड़ा होता है, यानी राइडर को आगे बढ़ने के लिए पेडल मारते रहना होगा। एक स्किड स्टॉप के लिए राइडर को आगे झुककर बैक व्हील से वेट कम करना होगा और पेडल का रोटेशन रोकना होगा ताकि बैक व्हील रुक जाए, जिससे बैक व्हील और ग्राउंड के बीच फ्रिक्शन पैदा होगा और साइकिल रुक जाएगी। लेकिन फ्रंट व्हील को तेजी से घुमाया गया तो आपको तारे दिखने लाजमी है। तो ऐसी फिक्स साइकिल्स के ब्रेकिंग सिस्टम को समझने के लिए पेडल्स का कंट्रोल जरूरी है। पेस पेडलिंग से आप अपनी स्पीड तो कंट्रोल कर ही सकते हैं, पर एक और मेथड है जो है स्किड स्टॉपिंग, जिसमें बैक व्हील और ग्राउंड के बीच फ्रिक्शन पैदा होता है। अरे पर फ्रिक्शन पैदा करके उसे संभालना हर एक के बस की बात ना है। अरे बावड़ी पूज मैदान में उतरा क्यों बिना प्रैक्टिस के, अब के फूके मार रहा बैठा। अकेले राही ने शुरुआत तो अच्छी की थी, देखिए बैक व्हील से अपना वेट उठा लिया था लेकिन फ्रंट व्हील लेफ्ट की तरफ टर्न हो गया था, जिसकी वजह से फ्रंट व्हील पर भी फ्रिक्शन लग गया और अकेला राही मंजिल तक पहुंचने से पहले ही गिर गया। पर हार मत मानना मेरे दोस्त, अगले सीजन में अपना नया वीडियो जरूर भेजना। कितने मजे में साइकिल चलाते जा रहे हैं, साइड में विंड मिल चल रहे हैं, आए हाय क्या बात है। वैसे कई बार ना इंसान रुकना चाहता नहीं है, बस चलते रहना चाहता है, लेकिन कोई ना कोई बीच में आए तो भैया रुकना पड़ता ही है। अब जैसे कि ये ओ भाई साहब डिगर है, अब ये भाई साहब आराम से साइकिलिंग कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है इनके दोस्तों की तरह इनके फ्रंट व्हील ने भी इनका साथ छोड़ दिया। हाय मेरा मुंह छिल गया, अबे बाल तो ठीक कर ले पहले तू। गौर से देखिए साइकिल को, ऐसी जालिम साइकिल आपके घर पर भी हो सकती है, बच के रहिए और देखते रहिए साइंस और स्टूपिड। म्यूजिकल चेयर्स हम में से लगभग सभी ने कभी ना कभी खेला ही होगा है, पर क्या कभी आपने डांसिंग चेयर खेला है? लगता है आंटी को अपनी शादी के दिन याद आ रहे हैं, कह रही डोली उठाओ। अबे डोली तो उठाओ और ये सर पे जो फफोली बन गई कौन उठाएगा, ये लो एक ढूंढो हजार मिलते हैं, ये रही एक और ये रही हजारवीं। सवाल यहाँ पर ये उठता है, क्या चेयर पर डांस करने के पीछे भी साइंस है? हाँ बिल्कुल है। चेयर के चार पैर सपोर्ट बेस का काम करते हैं। डांसिंग के दौरान जब तक आपकी और चेयर की कंबाइंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेयर के बेस सपोर्ट के ऊपर है, तब तक आप स्टेबल रहेंगे। लेकिन आपकी कंबाइंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस के बाहर जाती है तो आप अपने कंबाइंड वेट के फोर्स के टर्निंग इफेक्ट की वजह से रोटेट होंगे, मतलब चेयर से नीचे गिर जाएंगे। दोस्तों, वॉशिंग मशीन में बर्तन नहीं धुल सकते, माइक्रोवेव में कपड़े नहीं सूख सकते, उसी तरह चेयर पर डांसिंग नहीं कर सकते। चेयर पर सिर्फ बैठा जा सकता है, और हां जब वो जमीन पर हो तब। ज्यूइश वेडिंग में दूल्हा और दुल्हन को चेयर के साथ उठाया जाता है और बाकी डांस करते हैं। जब इसे अच्छे से किया जाता है तो ये शादी का एक यादगार पल बन जाता है, और गलत किया जाता है तो वो भी एक यादगार पल ही बन जाता है। लो जी दुल्हा नीचे, मुझे लगता है दुल्हन भी साथ देगी। ये है परफेक्ट जोड़ी, रब ने बना दी जोड़ी, उसके सर पे फोड़ी, इसके सर पे भी फोड़ी।
तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है? वेल, ये लोग तो चेयरमैन चेयरमैन खेल रहे हैं। वेल, मुझे लगता है इस दूल्हे की चेयर से गुदगुदी कर रही है। गुदगुदी ज्यादा होगी बेटा, बंद कर ले। जोक सपाट, साइंस ये है कि ऊपर जाते वक्त पीक पर चेयर का डिसेलरेशन उनके वेट का फोर्स चेयर पर कम कर रहा है। अब देखिए दुल्हनिया के केस में भाई ऐसा हुआ कि चेयर झुक गई और सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस सपोर्ट के बाहर आ गई और दुल्हनिया नीचे धड़ाम।